मैसी पे से उतर लेते हैं, अपना काम हो गया है, बुग्गी साफ कर दिया, उधर पल्ली धो के लाते हैं, पल्ली फिर यहाँ लटका देंगे पाइप पे, वो सूख जाएगी, पछवा हवा तेज चल रही है। उधर मेसी विश्राम कर रहा है और इधर हमारा खेत पूरा हो गया है, बिल्कुल गोबर से फाइनल हो गया। आप दोस्तों उसे ही कच्चा गोबर कह सकते हैं, बस वो जो आया है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जैसे बहुत से भाई कहते भी हैं कि कच्चे गोबर से खेत में दीमक लगती है, दोस्तों ऐसा कभी कोई प्रमाण नहीं है कि कच्चे गोबर से खेत में दीमक लगती है। जो बराबर के खेत में हमने पत्ती जुतवा के मट्टी पलटी थी, उस खेत में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई दीमक का असर नहीं है, बहुत ही बेहतरीन गन्ना खड़ा है। और अब भी गन्ना पूरी सर्दियों से बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, चल रहा है। और आपको एक सबसे बड़ा जो लॉजिक दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ ये हमने अपनी गोबर की कूड़ी डाल रखी है, तो आपको भी ये बात सुन के हंसी आएगी कि जब हमने अपना पूरा कच्चा गोबर यहाँ ला के उतारा, सर्दियों से पहले भी बरसात का गोबर उधर था, बरसात के बाद का सभी ये इधर ही उतरा, इसमें आपने भी देखा था। अब इसमें घास उग गई है, अब इसकी कटिंग करेंगे हल्की हल्की जो कि काफ़ी अच्छी रहती है, फिर ये गेहूं के खेत में चला जाएगा जिसमें पत्ती जोत के गेहूं बोए थे। दोस्तों यहाँ इस खाई में या नीचे या हम इसे जैसे उठाएंगे भी, इस कच्चे गोबर की जो ये पक जाता है जब हमने कच्चा गोबर ला के डाला था, इसके आसपास में कहीं भी कोई भी दीमक के कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो दोस्तों ये बात बकवास है कि कच्चा गोबर खेत में डालने से दीमक आती है, ये बिल्कुल बकवास बात है, कोरी बकवास है। बहुत दुनिया में इतने आडंबर चल रहे हैं, इतने झूठ चल रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये है कि देखो हमने दोपहर में हमारा गोबर ना सूख जाए, उसकी जो अच्छी फंगस होती है वो ना खत्म हो जाए, इसलिए हमने साथ के साथ ही जुताई करके ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। ये हमने अपने आप तो तजुर्बा किया ही है, हमारे बड़ों ने भी हमें बताया है कि गोबर की खाद जो है कभी भी सूखनी नहीं चाहिए, इस पर धूप या हवा नहीं लगनी चाहिए, ये खराब हो जाती है। तो दोस्तों अंदर से बहुत बढ़िया ढेरी निकल रही है। और आप देखना खंबे के पास में जो वो कच्चा गोबर पड़ा है पीछे से वहां तक का, आप देखना उसी साइड में गन्ना जो है सबसे अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, लंबा बढ़ेगा। ये बात आज की वीडियो से आप ध्यान रखना कि इधर का तो ये सूख गया था, पक गया था, 15-20 दिन का हो गया था, और उधर का वो कच्चा ही था। तो अब दोस्तों चलते हैं, अपना काम करते हैं, फटाफट अपना गोबर फैलाना शुरू करते हैं। और दोस्तों अब मैं गोबर बिखेरता इधर से खंबे की तरफ जा लिया हूँ, खंबे से आगे निकल गया हूँ। और आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा कि पापा जी वहां खड़े हैं, और देखो ये जानबूझ के, ए आज बचा लो, कल को तो मैं वे लगा दूंगा पैर खंबे, वहां बचा ले करियो पर है। हाँ बहुत आ रहे थे, कल को तो मैं खंबे लगा दूंगा जुताई करके। हाँ अन्य मुझे पता नहीं, मानने के ही बुए हुए में भी लगाने पड़ेंगे। दोस्तों अब देखना, आप वहां जगह पड़ी है लेकिन वहां कोई बचाता नहीं है, ए यहीं घुसाते हैं खेत में लाके, क्योंकि जरा सा भी बुग्गी पे से उतरना और झोटे को आगे पीछे करना तो हिन्नी समझते हैं लोग। अब देखो ये इतनी लंबी, अगर जैसे गन्ना बुझाएगा 2 हफ्ते बाद, तो यहाँ इतना लंबा, आप देखना आप, ये अब दोबारा इसने रोक लिया है, दोबारा फिर ट्रैक्टर भी यहीं बचवाएगा, और आप देखना यहाँ से वहां से घुसकरेगी और वहां तक। तो दोस्तों इतना गन्ना बड़ा होता है, इतने हमें हर साल यहाँ ऐसे ही खंबे लगा के रोकथाम करनी पड़ती है दोनों खेतों में, क्योंकि उधर तो खेत गहरे हैं, वहां तो बचते नहीं, और हमें इधर ऐसे ही करना पड़ता है। अब देखो, अब आप अपनी आंखों से देखते रहना कि यहाँ क्या हाल है बुग्गियों का और उसका, कि हमने वहां जगह छोड़ दी हुई है लेकिन वहां कोई नहीं बचाता, सब यहीं बचाते हैं। अब कुलदीप भाई ने भी अपना खड़ा देखो सगाम पे कैसा दबा दिया है, कैसा ठा दिया है धाए। और अब देखना, अभी जो है राजेंद्र ने आगे नहीं रोका है, और ये भी यहीं बचेगा सोनू का ट्रैक्टर, ये देखो आपके सामने ही है, मैं बिल्कुल कहीं से कोई एडिट नहीं कर रहा कुछ भी, ये देखो आपके सामने। अब आप खुद देखना जब वहां से गन्ना बो दिया जाएगा तो धोरे के 4 खुड्डों का वहां तक क्या हाल करेंगे ये। दोस्तों इसी के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से पूरा खाद बिखेर दिया है, और अब बबलू भाई चाय लेकर आ गए हैं, आप भी आ जाओ चाय पी लो, वो रखी है आपकी चाय।
और दोस्तों जो बबलू भाई ने काम करे हैं वो आज मिस्त्री पड़ने के, आप देख लेना मिस्त्री साहब आ गए थे आज इकरामुद्दीन। उन्होंने जंगल में भी नाली वगैरह ठीक करी है, थोड़ी सी होदी भी फुटवाई है, वे पिल्ले उसमें गिर गिर के घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये खाद यहाँ बहुत अच्छी तरह से फैल गया है। ओए आलिए आलिए, अरे मिंदर आवाज मार रहा। तो दोस्तों अब फावड़ा ले चलते हैं और अपने पैर भी पूछ लेते हैं। आ रहे हैं भाई आ रहे हैं। दोस्तों हवा आज बंद नहीं हुई है, पूरी तेज चल रही है, और लेकिन हमने जैसे कल हवा बंद थी और आज हवा छुट्टी है। भाई जमनू जागा निगाह मारी है, वे बिजारा गाय बोल रहे बहुत जोर जोर से। हाँ गाँव गोरी एक बार ध्यान से करिए, किंगे बोल रहे शायद, हाँ ऐसे लग रहा। तो दोस्तों आ जाओ आप भी चाय पी लो, मगर चाय पी ले। अच्छा अच्छा दोस्तों बिल्कुल शाम हो गई है और बबलू भाई बुग्गी लेकर चल दिया है। मिंदर बार बार आवाज मार रहा है, आवाज लगा रहा है, और मैं भी इसकी जुताई करूंगा खाद की। आप भी आ जाओ चाय पी लो, इतना मैं चाय से पी के अपने कान गर्म कर रहा हूं। दोस्तों वो उधर ट्रैक्टर ले गया जबकि ले जाना था इधर। आप देखें सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य अस्त हुआ है, किस तरह से चकाचौंध हो रही है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये तो फोन की मैंने ब्राइटनेस बढ़ा रखी है। अभी आपको दिखाता हूं कितना अंधेरा हो गया है। दोस्तों चले चलते हैं ट्रैक्टर के पास और यहां जो है एकदम से रोटर वेटर चला देते हैं। ये तो बढ़िया हो गया है क्योंकि दोस्तों ये दो बार करना है साथ के साथ ही। तो बबलू भाई गोले भरवा के मिंदर को भेज देंगे और हम अब मीसी मीसी का मजा लेंगे, मीसी चलाएंगे ट्रैक्टर। बाबा रे बाबा तासला भी इध पौड़ा ही। दोस्तों लाइट जलानी पड़ेगी, अब ये गिलास इसमें डालना पड़ेगा और जैकेट पहनते हैं, टोपा लगाते हैं सर पे। पूरी मेहनत करके मेरा जो मुंह है अब ऐसा हो रहा है पसीने पहुंच लेते हैं, और फटाफट ये ड्रेस अपनी पहनते हैं। दोस्तों ये भी लटका लेते हैं ये तसला यहाँ, बाई चांस अगर हम चलते हुए से भूल भी गए तो इसे तसले को थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ कर देते हैं कि सुबह तक यहाँ जो है अंदर इसमें बचा रहेगा। और इसी पे ये अपना जो तौसला का पौसला ही सर उठाल लेते हैं, इसे भी अपना टिफिन को इधर ही साइड में ले लेते हैं, क्योंकि क्योंकि
दूसरी वहां भी पूरी हो गई है। अब बस मैं लास्ट फांट ला रहा हूँ खेत में। अब इस खेत में मैंने दूसरी वहां भी बबलू भाई गोले ले आए थे, यही इंतजार कर रहे हैं मेरा काम निपटाने का। और मैंने इसमें दूसरी वहां भी पहले ही गेयर में दी है लो के पहले में, क्योंकि इसमें पत्ती थोड़ी ज्यादा थी। तो खेत की बिल्कुल मड़ाई बन गई है ये देखो, क्योंकि दोस्तों अब आगे रूटर का काम खत्म हो जाएगा। अब इनमें हैरो और टीलर की जुताई शुरू होगी, और टीलर पे जो रेवाड़ी वाले तिलक अंकल जी लाए थे पत्ते वो लगाएंगे आज। आज तो कहना बेकार ही, आजकल में तो कल परसों में फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आगे हैरो चलती है, टीलर चलता है बढ़िया। अब इसके कल इसके कोने काने कर लेंगे हल्के फुलके, जहाँ मिट्टी लगानी है, और बाकी फिर इसमें टीलर बजाएंगे, क्योंकि थोड़े हैरो भी चलाएंगे इसमें, हैरो से हवा लगेगी भान को, ऊपर की मिट्टी नीचे है, क्योंकि वो भी एक तरह का छोटा डिस्क प्लाव है, बढ़िया काम करती है। इसी के साथ में ये इधर दो फांट रह गए, अब चलते हैं फटाफट घर चलते हैं, इसके टायर भी झाड़ने पड़ेंगे। दोस्तों बबलू भाई को आगे निकलवाया है, क्योंकि वो इतने गेट खुलवा लेंगे, क्योंकि मुझे बैक करके खड़ा करना पड़ेगा आराम से। तो इसे जो है अपना पहले गियर में लिए चलते हैं,
रोटर साफ कर लिया है यहाँ खड़ा करके। दोस्तों घर आ गए हैं, ट्रैक्टर ला कर खड़ा कर दिया है और मम्मी की फ्रेंड्स भी आ गई हैं। राम राम जी। और दोस्तों मुझे यहीं खड़ा करना पड़ा है क्योंकि वहां मम्मी जी ने चाकी चला रखी है अपनी। छोटा मेसी उधर है दोस्तों, अब 2 मिनट पानी पी के और फटाफट वो करते हैं। कुट्टी काटते हैं